बिहार पुलिस की तैयारी करते हो तो इन 40 में से 20 क्वेश्चन सही करके दिखाओ तो समझेंगे कि बिहार पुलिस की तैयारी अच्छा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरटीएस स्टडी पर। दोस्तों ये रिपीट फायर सीरीज के तहत आपको 40 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें आपको 40 में से 20 क्वेश्चन सही करके दिखाना है और नीचे कमेंट में बताना है कि आपको कितना सही हुआ है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल की घंटी दबा लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि उत्तरी अमेरिका के आंतरिक हिस्सों में पाए जाने वाला घास के मैदान को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपको नीचे लेफ्ट साइड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आपको कमेंट करना है और लास्ट में बताना है कि कितना सही हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरी कहा जाता है। ठीक है, तो ए नंबर का, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का। ठीक है, जिन्होंने ए का, एक का ए लगाया उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो नंबर, दो नंबर में कि निम्नलिखित में से किसे पक्षियों में महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो किस पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है दक्षिण अमेरिका को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दो नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट है तीन नंबर, तीन में महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में पहले सत्याग्रह के रूप में किसे चुना गया था। तो यह चुना गया था विनोबा भावे को चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार नंबर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में पहली बार किसने उल्लेखित किया था। तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने, पहली बार ये उल्लेखित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा चार नंबर का। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पाँच नंबर की, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है ये राजा नरसिंह प्रथम के द्वारा यह बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पाँच नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है छः नंबर, भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव किस युद्ध द्वारा रखी गई। तो जो भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव जो रखी गई, ये रखी गई तराइन के द्वितीय युद्ध के रखी गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा छः नंबर का। सात नंबर में कि निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है। तो जो इसमें से आपको जो ठंडी महासागरीय धारा है तो ये आपको हम्बोल्ट धारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा सात नंबर का। आठ नंबर में कि दुनिया की सबसे बड़ी जहाज नहर कौन सी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी जहाज नहर ये स्वेज नहर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन के क्षेत्र का एक हिस्सा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख का पठार ये अक्साई चीन का क्षेत्र का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नौ का। दस नंबर में कि पोलियो के लिए टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था। राइट आंसर होगा जॉन्स साल्क ने, जॉन्स साल्क ने पोलियो के टीका का खोज किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन्स साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्यारह नंबर कि दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न खनिजों में से कौन सा आवश्यक है। तो इसमें हो जाएगा पोटेशियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा ग्यारह का। बारह नंबर में कि बिहार की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो बिहार की साक्षरता दर की बात करें तो 61.8% है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बता दूं कि ये जो आपको 40 क्वेश्चन कराया जा रहा है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कराया जा रहा है जो कि आपको बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो देखिएगा और लास्ट में कॉमेंट बताइएगा कमेंट में कि आपको 40 में कितना सही हो रहा है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरह नंबर, तेरह में कि नाबार्ड है एक, नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तेरह नंबर का। चौदह में कि शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है। तो जो शून्य आधारित बजट है ये तकनीक आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की देन मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा चौदह नंबर का। पंद्रह में कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की। तो बिहार में जो किसान सभा की जो स्थापना किया गया था ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोलह नंबर, मानव जबड़े में विद्यमान कौन सा दांत भोजन को काटने का कार्य करता है। तो ये करता है कृतंत है जो भोजन को काटने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा सोलह का। सत्रह नंबर में कि पीएच स्केल पर अधिकतम क्षारीय मिलन का मान होता है। तो पीएच स्केल पर जो अधिकतम क्षारीय मिलन का मान होता है तो 14 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्रह नंबर का। अठारह नंबर में कि रेडियस अलना हड्डी पाई जाती है। तो रेडियस अलना हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हाथ में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो अठारह का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा।
19 नंबर में कि किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लौरो और उरो हार्मोन कहा जाता है, तो ये हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लौरो और उरो हार्मोन कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो 19 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, 20 में कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया था, तो ये किया था खिजर खान के द्वारा, ये दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है खिजर खान का नाम, ठीक है। तो 20 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर, 21 में कि किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, तो यह युद्ध था आपको वाटरलू युद्ध के बाद इसे नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर इसे निर्वासित कर दिया गया, तो 21 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटरलू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, 22 में कि प्याज का लाल रंग होता है, तो प्याज में जो लाल रंग होता है इसका किसके कारण होता है, तो यह होता है एंथोसाई एनिन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन बी दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्याज में लाल रंग एंथोसाई एनिन के कारण होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो 22 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में कि हमारे नाखून बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, यह एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं केराटिन, ठीक है। नाखून बाल और त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है केराटिन, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, आपका नाम याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 23 का। 24 नंबर में कि जैव विविधता शब्द किसने दिया, तो जैव विविधता शब्द जो दिया तो यह दिया वाल्टर रोजन ने इसे दिया, ठीक है। तो जैव विविधता शब्द किसने दिया, तो वाल्टर रोजन का नाम आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 24 का। 25 नंबर में कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है, यह आपको नाम याद रखना है, 25 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर में कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक हैं, तो ये किस नाटक है, तो यह भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी नाटक है, तो यह नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के, यह नाटक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का। 27 नंबर में कि क्राकटोआ ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है इंडोनेशिया में, क्राकटोआ ज्वालामुखी पाया जाता है, ये आपको नाम याद रखना है इंडोनेशिया का, चीज यहाँ पे क्राकटोआ ज्वालामुखी पाया जाता है, तो 27 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है, तो वह वेद है यजुर्वेद है, जो धार्मिक अनुष्ठानों का पद्धतियों का उल्लेख करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। 29 नंबर में कि पादप कोशिका का कौन सा भाग इसे स्फीति कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है, तो यह भाग कोशिका रस से भरी रिक्तिका है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29 नंबर का। 30 नंबर में कि 74वां गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो यह दिया गया उत्तराखंड झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट और आपको रैपिड फायर क्वेश्चन कराया जा रहा है, और साथ में साइंस का भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप लोग बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और देखिएगा, ठीक है। 31 नंबर में कि उस्ताद बिस्मिल्ला खां को भारत रत्न के किस वर्ष सम्मानित किया गया, तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो किया गया 2001 ईस्वी में किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 31 नंबर का। 32 नंबर में कि सरोज स्मृति अशोक गीत किसने लिखी, तो सरोज स्मृति शोक गीत जो लिखी, यहाँ पे शोक गीत है, तो शोक गीत जो लिखा गया था ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का। नेक्स्ट है 33 नंबर, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इस जीवाणुओं को जो नष्ट करने के लिए किया जाता है क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 33 का। नेक्स्ट 34 नंबर है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कम से कम बिखरती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा 34 का। 35 नंबर में कि चकमा शरणार्थी कहाँ से हैं, तो चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से है, आपको याद रखना है बांग्लादेश का नाम, जो कि चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 35 का। नेक्स्ट 36 नंबर है कि भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान करता है, तो यह संघ सरकार को प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 36 का। 37 में कि बिहार में प्रचलित कौन सी कथा आधारित प्रथम चित्रकला मानी जाती है, तो ये मानी जाती है मंजूषा चित्रकला मानी जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का।
38 नंबर है कि सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो सौरमंडल को शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन कि मिथिला चित्रकला संस्थान किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो मिथिला चित्रकला संस्थान जो स्थापित किया जा रहा है मधुबनी में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। और ये आखिरी क्वेश्चन है 40 नंबर कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है तो 3 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको रैपिड फायर सीरीज का टोटल 40 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि आप इसमें कितना सही हुआ है। 20 सही हुआ था आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कमेंट में जरूर बताइएगा कितना सही हुआ और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। और प्रैक्टिस सेट भी देखिए जो कि आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट का भी और इसका भी आपको रैपिड फायर का पिछला 3 वीडियो का मिल जाएगा। तो वहाँ वो भी आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। और टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट का। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।